कहते हैं 2 और 2 11 होते हैं। दक्षिण चीन सागर में परमाणु पनडुब्बियां चीन क्यों छिपा रहा है? जवाब में क्या अमेरिका भारत को दे रहा है F-35? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो बिल्कुल तय है कि दक्षिण चीन सागर में जंग की शुरुआत कभी भी हो सकती है। जिस तरीके से चीन पीछे नहीं हट रहा है, जापान के द्वीपों पर अपना कब्जा जताता है और साथ ही साथ रूस के साथ नौसैनिक अभ्यास भी कर रहा है। अब रूस यहाँ महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जापान के कई द्वीपों पर रूस भी अपना दावा ठोकता है। पर ये भी तय मानिए कि दक्षिण चीन सागर में चीन अकेला माल को हड़पना चाहेगा, कभी भी रूस के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा, भले युद्धाभ्यास कर ले। पर ये जो दक्षिण चीन सागर का इलाका है, ये पानी वाला इलाका है और यहाँ जब भी लड़ाई होगी तब महत्वपूर्ण बन जाएगा किसी भी देश का नौसेना। और जितनी बड़ी मात्रा में दक्षिण चीन सागर में तेल है, गैस है और मछलियों का व्यापार है, चीन इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता है। पर चीन ये भी जानता है कि इस इलाके में अगर जंग होती है तो ये जंग साधारण जंग नहीं होगा, आगे बढ़कर ये परमाणु युद्ध में बदल जाएगा। दक्षिणी चीन सागर में पहले ही चीन जासूसी करने के लिए अंडर वाटर ग्रेट वॉल बनाने की कोशिश कर चुका है, मतलब निगरानी प्लेटफॉर्म बनाना जो पानी के अंदर हो और श्रृंखला के तौर पर, मतलब कि एक दो नहीं, एक दो कई नेवल रडार चीनी जल सीमा में तैर रहे हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भी हैं, जो पल पल की खबर पहुंचाते हैं चीन तक। जब सैटेलाइट से इन तस्वीरों को लिया गया है तो ये देखा गया है कि चीन अपने निगरानी उपकरणों को और रडार स्टेशनों को मैप कर रहा है अपने सैटेलाइट से। और इतना ही नहीं, चीन इन रडार और सेंसरों के जरिए अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों की भी निगरानी कर रहा है। अब यहाँ पर ताइवान के साथ कैसी कैसी रणनीति कर रहा है चीन, उसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि ताइवान के तटों पर पहुंच जा रही है चीनी नौसेना बड़े बड़े जहाजों को लेकर और उनके बालू को चुरा रही है, बालू उत्खनन का काम कर रही है। वैसे आप सोचेंगे बालू उत्खनन बड़ा छोटा सा काम है, जिसके लिए ये तो बालू चोरी जैसी हो गई, जिसके लिए चीन अपनी नौसेना को लगा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये एक बड़ी रणनीति है। ताइवानी इलाके से रेत चुराना चीन का नया हथियार है। चीन के ग्रे जो वॉर इस अभियान में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए बिना कोई युद्ध लड़े दुश्मन को उसके इलाके से बाहर निकालने की रणनीति अपनाई जाती है। जैसे जैसे ये रेत उत्खनन होता जाएगा, वैसे वैसे इस इलाके से ताइवान पीछे हटता जाएगा। समुद्र के तल से भारी मात्रा में रेत निकाला जा रहा है और इसकी रोक के लिए ताइवान को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, 24 घंटे गश्त करनी पड़ रही है, क्योंकि रेत को चुरा कर चीन इस द्वीप की अर्थव्यवस्था को भी तबाह करना चाह रहा है और पानी के नीचे जो बिछाए गए हैं संचार के केबल, उनको भी नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। अब तक 2020 में ताइवान ने चीन के 4000 रेत उत्खनन करने वाले जहाजों को खदेड़ा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके में चीन कितना एक्टिव है। अब इसके साथ साथ चीन ने एक और बड़ा काम करना शुरू किया है और वो काम ये है कि चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को छिपाना शुरू कर दिया है इस पूरे इलाके में। दक्षिण चीन सागर के बीच गहरे पानी में छिपा रहा है पनडुब्बियों को चीन, ताकि उसे सेकेंड स्ट्राइक करने में काफी मदद मिले। दक्षिण चीन सागर में अगर अमेरिका लड़ने को आता है चीन से, तो फिर अगर परमाणु हमला होता है तो ये छिपी हुई परमाणु पनडुब्बियां अचानक से एक साथ वार करेंगी। खैर, इसकी तैयारी भी अमेरिका कर रहा है और अमेरिका के साथ साथ क्वाड के देश भी कर रहे हैं। F-35 जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है, अपने स्टिल्थ फीचर होने की वजह से ये किसी के भी रडार के पकड़ में नहीं आता है। F-35 की ताकत ऐसी है कि चीन के बीजिंग में भी चले जाए और बम गिराकर मिसाइलें छोड़कर आ जाए तो भी पता नहीं चलेगा कि आखिर ये हुआ कब और कौन आया था। अब सभी देशों का ये ख्वाब होता है कि F-35 या F-35 जैसा स्टिल्थ लड़ाकू विमान हो उनके पास भी। अब भारत को जो बाइडेन ऑफर करने वाले हैं F-35, लेकिन बदले में जो बाइडेन को चाहिए भारत से बड़ी
बड़ी मदद, इसके बदले में पैसे से कहीं ज्यादा बड़ी मदद जो बाइडेन को चाहिए भारत से। हाल ही में रूस ने अपने चेकमेट वीडियो का प्रोटोटाइप दुनिया को दिखाया और एक ट्रेलर भी दिखाया। इस ट्रेलर में भारतीय पायलट को मुख्य तौर पर दिखलाया गया और इससे साफ हो गया कि चेकमेट भारत को ऑफर कर रहा है रूस। चेकमेट स्टिल्थ होने का दावा भी कर रहा है रूस। हालांकि चेकमेट अभी न तो बना है और न इसकी शुरुआत हुई है, पर इसने एक बड़ी खलबली मचा दी है और अब अमेरिका के लिए स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका हर हाल में भारत को चाहता है अपनी तरफ। ऐसा इसलिए कि रूस से निपटने के लिए भले उसे नाटो संगठन का साथ मिल जाए, लेकिन अगर चीन से निपटना है तो चीन से निपटने के लिए भारत का साथ चाहिए अमेरिका को। यहाँ चीन के इलाके को देखेंगे तो कोई ऐसा बेस नहीं है, कोई ऐसा एयरबेस नहीं है जो डायरेक्ट चीन के ऊपर नकेल कसने में अमेरिका को मदद करे। अगर अमेरिका को यहाँ कोई बेस मिल जाता है तो अमेरिका भले ऐसा कर पाएगा, लेकिन सिर्फ बेस नहीं, अमेरिका को चाहिए एक पूरा साथ चीन के खिलाफ लड़ाई में। दक्षिण चीन सागर का मामला हो या फिर हिंद महासागर का मामला हो, हर जगह चीन से निपटने के लिए अमेरिका को इस सेंट्रल एशिया में एक बड़े साथी की जरूरत है। और रूस जिस तरीके से चेकमेट ऑफर कर रहा है, अमेरिका को ये लग रहा है कि अब भारत और रूस के बीच रिश्ते कहीं और 30-40 सालों के लिए बंध न जाए। अब जो बाइडेन 2017 की कहानी को एक बार फिर से दोहराना चाह रहे हैं, दरअसल 2017 में भारत को F-35 ऑफर किया गया था, लेकिन उस वक्त भारत और चीन के बीच न तो वैसी कोई दुश्मनी थी और दूसरी बड़ी बात ये थी कि F-35 की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। पर अब दोनों ही चीजें उलट हैं और भारत को हर हाल में अमेरिका चाहता है अपने पाले में रखने के लिए। अमेरिका अब F-35 को काफी बड़ी संख्या में बना रहा है और चीन और भारत के बीच स्थिति ऐसी है कि कभी भी युद्ध हो जाए, तो चीन और अमेरिका के बीच भी स्थिति ऐसी है कि कभी भी युद्ध हो जाए। दक्षिण चीन सागर में जिस तरीके से बवाल कर रहा है चीन, यहाँ पर तो युद्ध के खतरे और भी ज्यादा मंडरा रहे हैं। ऐसे में अब कहा ये जा रहा है कि बाइडेन भारत को F-35 ऑफर करेंगे और चेकमेट की जगह F-35 के लिए भारत को मनाने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको बता दें, F-35 लेने को भारत भी उत्सुक है, लेकिन प्राइस रेंज को लेकर भारत थोड़ा पीछे हट रहा है, तो अब अमेरिका की मजबूरी बन रही है कि वो भारत को F-35 दे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका से F-35 लेने चाहिए या रूस से चेकमेट के लिए अनुबंध बनाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।